हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई इमेज का बैकग्राउंड एकदम सिंपल एंड इजीएस्ट वे में हटाना है तो आप कैसे करें। तो उसके लिए आपको अपने लैपटॉप पे ब्राउजर ओपन करना है, लेट्स से गूगल क्रोम, और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड। और यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है रिमूव डॉट बीजी वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इनके डैशबोर्ड में स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आप इमेज अपलोड कर सकते हो, वो बैकग्राउंड हटा के दे देंगे, आपको डाउनलोड करना होगा। ऑलराइट, यहाँ पे इमेज अपलोड करने के काफ़ी ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड इमेज, तो आपके लैपटॉप में जहाँ पे भी इमेज है वहाँ से आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो लेट से मैं इस इमेज को ओपन कर देता हूँ, तो इससे ये इमेज ओपन भी हो जाएगी और इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव भी हो जाएगा। तो आपको जो लेफ्ट टैब है उसमें ओरिजिनल इमेज दिख रही है और राइट टैब है उसमें रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज दिखेगी। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप इमेज फाइल को ड्रॉप भी कर सकते हो। तो लेट से यहाँ पे इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप इमेज है उसको अपलोड कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तीसरा तरीका है कॉपी एंड पेस्ट वाला, मतलब जहाँ पे भी आपकी इमेज है वहाँ से आप उसको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, फिर आपको यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो आप कॉपी एंड पेस्ट से भी यहाँ इमेज अपलोड करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ऑलराइट, इसके अलावा लेट से आप कोई ऑनलाइन इमेज यूज कर रहे हो तो आप उस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो या उस इमेज का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो लेट से यहाँ पे एक हस्की की इमेज है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉपी इमेज और कॉपी इमेज एड्रेस दो ऑप्शन है। तो कॉपी इमेज वाला तो हमने ऑलरेडी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिया, हम कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो इससे ये इमेज अपलोड भी हो जाएगी और उसका बैकग्राउंड भी हट जाएगा। तो यहाँ पे इस हस्की का ये लेफ्ट में ओरिजिनल इमेज है और राइट में रिमूव बैकग्राउंड वाला है, मतलब बैकग्राउंड जो भी था वो हट गया है। नेक्स्ट, आपको राइट में डाउनलोड करने के दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आपको ये इमेज फ्री में डाउनलोड करनी है तो आपको ऊपर वाले डाउनलोड पे क्लिक करना है, इससे क्वालिटी थोड़ा लोअर रहेगा बट ये एकदम फ्री है। या फिर आपको कुछ क्रेडिट्स या चार्जेस लगेंगे तो आप यहाँ से HD वाली इमेज है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एकदम फ्री वाली इमेज है उसको डाउनलोड करेंगे, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लेट से इसको सेव कर देते हैं। इसके अलावा लेट से आपको मैन्युअली कुछ चेंजेस करने हैं, मान लो यहाँ पे हस्की की टांगे हैं वो थोड़ी ज्यादा हट गई है मतलब बैकग्राउंड के साथ, आपको उसको रिस्टोर करना है तो कर सकते हो। या फिर कोई पार्ट यहाँ पे हटा नहीं है मतलब बैकग्राउंड वाला पार्ट अभी भी है तो उसको आप खुद से इरेज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ एडिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देखो बैकग्राउंड और राइट साइड में इरेजर रिस्टोर का ऑप्शन है, तो पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको इरेजर रिस्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इरेज वाला और राइट साइड वाला ऑप्शन है वो है रिस्टोर वाला, और नीचे आपको ब्रश साइज दिख रहा है। ओके, तो आप ब्रश साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो लेट से हम इस ब्रश को छोटा सा रखते हैं और हम इसके एकदम पीछे वाला टांग है उसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओके, और हम थोड़ा आगे वाला टांग है उसको भी थोड़ा सही करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आइज भी आ रहा है बट इसका कुछ टांग वाला पार्ट है वो आ गया है। इसके अलावा आप टेल वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। लेट से यहाँ पे बाई मिस्टेक इतना सा बैकग्राउंड रह गया हो तो आप यहाँ पे जो लेफ्ट में इरेज वाला ऑप्शन है उसके जरिए इरेज भी कर सकते हो। आप यहाँ ब्रश साइज है उसको एडजस्ट कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड बच गया था, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो हटा सकते हो। तो ये था इरेज एंड रीस्टोर वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो, तो देखो ये जूम आउट हो रहा है और ये जूम इन हो रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ अंडू रेडू के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, मतलब कोई चेंज आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको अंडू कर दो, अगर अंडू को रीडू करना है तो रीडू पे क्लिक करो। इसके अलावा आपको लेफ्ट में यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड वही रहेगा जो ओरिजिनल इमेज में था, बस ब्लर हो जाएगा। पहले में इतना ब्लर नहीं होगा बट आप जैसे जैसे आगे वाली इमेजेस पे क्लिक करोगे ये थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। एकदम जो लास्ट में ब्लर वाली इमेज है उसमें थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड काफी ब्लर हो गया है, बस मेन ऑब्जेक्ट है उसी पे फोकस रह रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आप खुद का कुछ बैकग्राउंड अपलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर जो भी इमेज थी वो आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो आपका यहाँ पे जो कस्टम बैकग्राउंड है वो अपलोड हो गया है, या फिर यहाँ पे जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड से कुछ पहले से ही वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेट से मैं इसको कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको बैकग्राउंड में कलर डालना है तो कलर वाले ऑप्शन पे आओ। लेट से मैं यहाँ पे ब्लूइश कलर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड में कलर भी सेट कर सकते हो। जैसे ही आपके यहाँ चेंजेस हो जाए आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप इमेज शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हम इमेज को डाउनलोड करते हैं और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी इमेज है वो यहाँ से बैकग्राउंड हट गया है, आपने जो भी मैनुअल चेंजेस किए थे वो यहाँ सेव हो गए हैं,
मतलब आपने जो ब्लूइश बैकग्राउंड रखा था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम रिमूव बिजी टूल यूज करके कोई भी इमेज का बैकग्राउंड एकदम सिंपल एंड इजी तरीके से हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई इमेज का बैकग्राउंड हटाना हो तो रिमूव बिजी वाली वेबसाइट पर आके इसको ट्राई जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर करें। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।